पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। सुशासन देने का प्रभावी उपकरण ये कॉन्फ्रेंस है और सुशासन का मतलब सब स्पष्ट रूप से आप समझ लें। बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मैं एक बात साफ कर दूं कि अलग सरकार है, यहां पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा। पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में यह सब नहीं चलता और लक्ष्य एक ही है, जनता को सुशासन देना। एक अभी सीएस आपको बता रहे थे कि एजेंडा दिया गया है, हर महीने एजेंडा भी हम देंगे फोकस्ड, जिन पर आपको काम करना है और वो एजेंडा लगातार कई महीनों भी चल सकता है किसी विषय पर, उसको समय समय पर तय करेंगे। तो फोकस्ड एजेंडे पर तो काम करना ही है, लेकिन उससे रूटीन गवर्नेंस प्रभावित ना हो जाए। रूटीन गवर्नेंस मतलब रोजमर्रा के जनता के काम, उसको चक्कर ना काटना पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े। और काम मतलब हर विभाग के काम। और जब आप सोचें, जब आप फैसला करें, तो एक बात जरूर सोचें, आप सामने अफसर के रूप में कुर्सी पे बैठे, लेकिन टेबल के उस पार बैठे व्यक्ति के बारे में अगर आप उस जगह होते तो क्या सोचते। वो अपने काम के लिए आ रहा है, आग्रह कर रहा है, आवेदन दे रहा है। अगर आपके हाथ में आवेदन होता तो आप कैसा महसूस करते अपने काम के लिए। जब सोचना किसी तरीके से सोचना है, उसे रास्ते निकालना है, काम रोकना नहीं। कई बार काम न करने के तरीके निकाल लेते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। लोगों की भलाई के लिए जो काम होना है वो होना है, उसके लिए रास्ते निकालना है। मुझे दोनों चीज, रूटीन गवर्नेंस वो हमारी प्राथमिकता, वो कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी फोकस्ड एजेंडा, उस पर हमको पूरी ताकत से काम करना है। लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण और विकास के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं जुनूनी हूं, मत 24 घंटे एक ही धुन है मुझे, और आप चाहे वो वल्लभ भवन में बैठे अफसर हो, शासन के वो प्रतिनिधि है जिनको इन चीजों को जमीन पर उतारना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने तैयार किया, उसको समय सीमा में जमीन पर ले जाना है। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, ये सीधे व शासन के प्रतिनिधि है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है सीधे सीधे। और ये जैसी तरफ मुख्यमंत्री के दिल में है, वैसी तरफ आपके दिल में होना चाहिए, तो ही आप काम करने के अधिकारी हैं। और इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा, आप भी अपना सर्वश्रेष्ठ दें। मेरा किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है।
जो अच्छा काम करेगा उसको कंधे पे बैठाऊंगा मैं, और जिसने गड़बड़ की उसको हटाने में एक क्षण नहीं लगाऊंगा मैं, कोई राग द्वेष नहीं मेरा, मुझे केवल काम से प्रेम है। हमारी प्राथमिकता अपनी जनता, और ये कम्युनिकेशन वाला मामला मैं सबसे कह रहा हूं, ये लोकतंत्र कम्युनिकेशन चाहिए, संवाद चाहिए, और संवाद जनता से नंबर एक। हम इतने बड़े बन जाए कि कोई मिल ही नहीं पाए, ये नहीं चलेगा। कलेक्टर एसपी और कमिश्नर आईजी भी कोई शोभा की वस्तु नहीं है, उनको भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। कलेक्टर एसपी सीधे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होते हैं, उनका आचरण उनका व्यवहार वो आदर्श स्तर का चाहिए, तो ही वो रहने के अधिकारी। उनमें लगातार जनता से कम्युनिकेशन, जनप्रतिनिधियों से कम्युनिकेशन, और एक बात कहते हुए मुझे कोई हिचक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कार्यकर्ताओं का सम्मान भी चाहिए, जनता का भी सम्मान, जनता सबसे ऊपर है, और जनता का कल्याण। इसलिए कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और इसी आधार पर हम काम के आधार पर विभागों की भी रेडिंग करेंगे। अभी सीएम डैशबोर्ड हम प्रारंभ करने वाले हैं, विभागों की भी रेटिंग होगी, रैंकिंग होगी, विभागीय अफसरों या कलेक्टर एसपीओ जिलों की भी हम रैंकिंग करेंगे, कौन सा अच्छा जिला है, कौन सा खराब जिला है, किस योजना में कौन कहां खड़ा है, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा सब कुछ, कौन सा विभाग अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, एजेंडा तय होगा, उस पर काम करना है, और परफॉर्मर ही रहेगा कि बेटर परफॉर्म करें। ये मौका मिला है हमको लोगों की सेवा का, मध्यप्रदेश बनाने का, इसमें सब परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें, बाकी जो बातें हैं वो एजेंडे के साथ साथ हम लगातार करते जाएंगे। लेकिन फिर रूटीन गवर्नेंस सबसे बड़ी प्राथमिकता है, रोजमर्रा के जनता के काम में सुविधा, समय पर काम, बिना लिए दिए काम। और एक बात और अंत में मैं कह दूं, कल हमने समाधान ऑनलाइन किया तो लिपिक के खिलाफ कार्रवाई कर दी हमने, इसकी ये नहीं चलेगा। मॉनिटरिंग करने की जवाबदारी कौन की है? अगर जनता का काम नहीं हुआ तो मॉनिटरिंग करने की जिसकी जवाबदारी उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, और अगर समय तो उसके खिलाफ, क्योंकि इसी से लोगों के काम होंगे, और वो अगर नहीं किया तो जो करने की जिम्मेदारी है फिर वो जिम्मेदार होगा। आज मैंने सीधे सीधे जो दिल में वो कहा है और वही मैं करूंगा, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, और इसको एक प्रभावी माध्यम बनाऊंगा मैं, इस कॉन्फ्रेंस को गवर्नेंस का। मुझे इतना ही कहना था, आगे सीएस आगे बढ़े।